नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतिक। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। आज देश भर में किसानों ने रेल रोकने की घोषणा की है। किसानों ने दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक रेल रोकने का ऐलान किया है। दिन के वक्त कम ट्रेन आवाजाही करती है, इसलिए दिन के 4 घंटों के लिए चुना गया है। बिहार में 10वीं की परीक्षा को देखते हुए 2 बजे से 4 बजे के बीच रेल का सांकेतिक चक्का जाम करने का फैसला किया गया। इधर किसानों के रेल रोकने के ऐलान के बाद हर जगह प्रशासन को चौकन्ना रहने का निर्देश दिया गया है। स्टेशनों तक पहुंचने के मुख्य रास्तों के अलावा अन्य भी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए स्टेशनों के आसपास बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है। वहीं राजधानी पटना में भी चक्का जाम का असर देखने को मिला है। तो इस पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष जुड़ चुके हैं पटना से। उत्कर्ष, कृषि कानूनों के खिलाफ अब जो किसान हैं, इसके विरोध प्रदर्शन में अब रेल को रोकेंगे और पटरी पर उतरकर रेल की आवाजाही को रोकने का उन्होंने ऐलान किया है। क्या कुछ वहां से अभी निकलकर सामने आ रहा है? इस जो ये जो चक्का जाम किया जा रहा है, रेल का चक्का जाम किया जा रहा है, इस पर क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है उत्कर्ष? ये जो कृषि कानून बिल के खिलाफ जो आज ये जो किसान है वो आज रेल रोकने का अभियान उन्होंने किया है, जिसके तहत वो करीब 12 बजे से 4 बजे तक रेल चक्का जाम करेंगे। इसका उन्होंने ऐलान भी किया है। इसके साथ कई विपक्षी पार्टियां भी हैं जो किसानों के समर्थन में उतरी हैं। आपको बता दें कि पटना में जाप के जो नेता हैं वो आज रेल जाम करने वाले हैं, वो करीब 12 बजे से 4 बजे की। हालांकि ये जो बिहार में इस बार मैट्रिक की एग्जाम्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ कुछ वैसा व्यापक असर तो देखने को नहीं मिला, पर फिर भी कई जिलों में आज रेल चक्का जाम किया गया। ऋतिक, उत्कर्ष, मौके पर प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्था वहां पे निकल कर सामने आ रही है? यहाँ ऋतिक, प्रशासन अपनी तरफ से काफी वहां पे जोरों शोरों से लगा हुआ है। वह लगातार प्रदर्शनकारियों से यह भी कह रहे हैं कि आप हट जाएं, कहीं रेल के चपेट में आने से आप लोगों की मौत ना हो जाए, कुछ हादसा ऐसा ना हो जाए। पर जो ये कृषि कानून के खिलाफ जो लोग हैं, या फिर जो बिहार या भारत में बढ़ते हुए, आपको भी पता है कि जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो काफी बढ़ गए हैं, इसको लेकर और भी लोग जो है और प्रदर्शनकारी भी कुछ ज्यादा हिंसक हो गए हैं, जिसको लेकर वह पटरी के सामने बैठ गए हैं। उनका सीधा सी कहना है कि सरकार कृषि कानून बिल को वापस ले और जो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम है उसकी वजह से महंगाई जो बढ़ रही है उसको भी कम किया जाए। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका उत्कर्ष। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि पूरे देश भर में आज किसानों ने रेल चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया है। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेल चक्का जाम किया जाएगा।